ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आप बिटमार एनसेकेफेट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है, लाइट मोशन में आने के बाद एंड एक पोजेट क्रिएट करना है 916 का, एंड यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। ओके, एंड जो भी फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो उसमें से किसी एक फोटो को बस आपको एड करना है। ओके, तो मेरा फोटो थोड़ा अंदर में मैं चले जाता हूँ इधर, एंड एक फोटो को ऐड करना है। ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर आइकन पे क्लिक करके करेंट फ्रेम एचपीजी में एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे थोड़ी देर वेट करना है आपको, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको सेव करके, इसको सेव कर लेना है। फिर यहाँ से बस आपको बैक आ जाना है एंड बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। जैसे बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक स्काई ब्लू कलर का लेयर मिलेगा, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है जो कि सॉन्ग के ऊपर है, एंड कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टैक्स पे क्लिक करना है। ओके, एंड ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, और जो फोटो को आपने क्रॉप किया उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, लाइट मोशन में गया होगा, एंड उस फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना, तो वो फोटो जो हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। एंड जैसे ये फोटो ऐड हो जाता है, अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर आपको दूसरे फोटो को ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है 3.04 सेकंड पे, तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फिर से आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो अब जो फोल्डर सेलेक्ट करोगे जिसमें नॉर्मल फोटो है ना, उसमें आपको वही फोल्डर सेलेक्ट करना है। ओके, तो जहाँ से आपने फोटो को क्रॉप किया था, तो मैंने एक फोटो को यहाँ से क्रॉप किया था और जो फोटो मैं उसको एड करता हूँ, तो फोटो एड करना है, ऊपर थ्रेड पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरा फोटो को एड करना है, ऊपर थ्रेड पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है, एंड फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरा फोटो को एड करके ऊपर से डॉट पे क्लिक करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। एंड गाइस, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो ना फोटोज़ को ऐड करते रहना, जैसे कि आप लोग दे सकते हो, एंड लास्ट तक जितना भी फोटो ऐड होगा यानी कि जितना भी बिट मार्क है सभी के बीच में आपको फोटोज़ को ऐड कर लेना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी सही फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो आप भी पहले यहाँ पे अपनी फोटोज़ को ऐड कर लो। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने जो सभी फोटो को ऐड कर लिया है, तो अब जैसे आपका फोटो ऐड हो जाता है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली आपको बैक आ जाना है, एंड आपको करना क्या है, आपको मतलब ओपन करना है सेकेंड प्रीसेट को। ओके, तो सेकेंड फेड जैसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको दो इफेक्ट मिल जाता है, आपको पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है यानी कि पहले वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है, और मतलब फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, तो एक नंबर का इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना है, फिर बीट मार में आ जाना है एंड आगे जाना है, और जो पहला वाला फोटो है 3 सेकंड में इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, तो गाइस फिर आपको एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में पेस्ट करते रहना है। ओके, तो आई होप कि आपको पता होगा कैसे एक फोटो को छोड़ना है। तो यहाँ पे जैसे कि इस वाले फोटो में हमने पेस्ट किया, तो इसके जस्ट आगे वाला जो फोटो इसको हम छोड़ देंगे एंड जस्ट इसके आगे वाला जो फोटो इसमें पेस्ट कर देंगे, फिर जो इसके आगे वाला फोटो इसको छोड़ देंगे एंड इसके आगे वाले में पेस्ट कर देंगे। तो इसी का मतलब है एक फोटो को छोड़ छोड़ के आपको एक फोटो में पेस्ट कर देना है, एंड लास्ट तक जितना फोटो है सभी फोटोज़ में आपको इसी प्रकार से पेस्ट करना है एक फोटो को छोड़ छोड़ के। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में पेस्ट करते आ रहा हूँ। अब जैसे इधर लास्ट कर लोगे फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है, सेकेंड फेड प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करना है एंड जो सेकेंड नंबर का एफ एड है इसको कॉपी कर लेना है। अब जैसे इसको कॉपी करेंगे, अब यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करना है एंड आपको आगे जाना है। अब जो हमने इमेज को छोड़ा था यानी कि जो इमेज बचा हुआ है जिसमें इफेक्ट नहीं है, अब सिंपली आपको उन सभी फोटोज़ पे क्लिक कर करके इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके, तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट करते रहना है एंड इस प्रकार से जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम पेस्ट करते जा रहे हैं और इस प्रकार से लास्ट तक पेस्ट कर देना है। अब जैसे इतना कर लोगे इस प्रकार से हो जाएगा, फिर यहाँ सबको बैक आना है एंड सेकेंड प्रोजेक्ट को ओपन करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है, फिर बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, फिर यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है, फिर आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। ओके,
तो गाइस आप लोग दे सकते हो इस प्रकार से, जैसे कर लोगे इस प्रकार से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। फिर आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।